आ गए आ गए, आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया ड्रामा कर, आपका स्वागत है। आज बड़ी विचित्र स्थिति है सभापति महोदय कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके, जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके हैं, और जिनके इतिहास में वैचारिक या व्यवहारिक संबंध या सिद्धांतिक संबंध न हो वो आज लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ होकर लोकतंत्र बचाने की आवाज लेकर आज सदन में आए। जहां मणिपुर हिंसा की बात की गई सभापति महोदय, इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था तब ये मौन क्यों थे? और मैं अधीर रंजन जी का जो शब्द था, जो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने दिया, इन सभी समय में एवरी मॉर्निंग सभापति महोदय न्यू विडोज व हाउलिंग, एवरी मॉर्निंग न्यू चिल्ड्रन व क्राइंग, एवरी मॉर्निंग न्यू हाउसेज व फॉलिंग, और मूक दर्शक के रूप में हमारे ये साथी बैठकर सरकार में बैठे हुए थे। आज यहां बैठकर गौरव गोगोई जी ने, सबर रखो सबर रखो आराम से सुनो सबर रखो थोड़ा सीख लो। गौरव गोगोई जी ने आसाम अकॉर्ड की बात की, जिस आसाम अकॉर्ड की बात की उस आसाम अकॉर्ड का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने कभी की? आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, एक साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर सच्चाई मैं बताऊं, प्लीज प्लीज उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो गौरव, अगर बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। बैठिए, जनता ने आपकी चिल्लाने को आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपने फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की काव्यात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की काव्यात की शुरुआत। चार्जशीट सभापति महोदय बड़ी लंबी है। 1960 के दशक में जब मणिपुर में अलगावादी समूह ने हिंसा की शुरुआत की, जब वो जन्म हुआ तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार था? वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी।
और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीर दा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इवन अफोर्ड टू परचेस वेपन्स फॉर द सिक्योरिटी पर्सन्स टू फाइट द इंसर्जेंट्स। प्लीज ये सुनिएगा, प्लीज थिंक दैट मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इट अफेक्ट्स द होल नेशन। शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहां भाषण देने के पहले। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल गृह मंत्री जी ने सदन में पूरा व्याख्यान दिया, इनके मंत्री संतरी न तंत्री एक बार भी मणिपुर गए। हमारे गृह मंत्री 3 दिन वहां रात दिन बिताए हैं, हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन, नित्यानंद राय जी ने मणिपुर में बैठकर स्थिति का जायजा लिया। आज राहत राशि वहां पहुंची है, अनाज पहुंचा है, वर्चुअल सिस्टम से स्कूल्स चल रही हैं, आर्मी की फोर्स पहुंची है, इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं, जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आंकड़े की आप बात करते हो तो आंकड़े की पुष्टि करो, ये पिछले 9 साल मणिपुर में सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है इंसर्जेंसी के दृष्टिकोण से। आपके 10 साल से 3 गुना कम इंसर्जेंसी हुई है और 6 गुना कम सिविलियन डेथ्स आज मणिपुर में हुआ है। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते थे 1 दशक पहले, तो चित्र हमारे दिमाग में आता था, हिंसा का चित्र आता था, आतंक का चित्र आता था, अस्थिरता की चित्र आती थी। और उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि दशकों से जो सरकार रही थी उनकी सोच विचारधारा थी कि अगर बॉर्डर विलेजेस में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर विकास किया तो वहां जागरूकता उत्पन्न होगी, इसलिए उन्हें विकास से वंचित रखा जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में, देश के प्रधानमंत्री ने पहला कदम लिया, जो भी हिंसक संगठन थे मणिपुर के उनके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करके म्यांमार तक खदेड़ के भेज दिया था सभापति बोध। और उसके बाद पहला कदम जो लिया विकास व्यापक सोच के साथ, एक विचारधारा के साथ, उन्होंने एक विकास का मंत्र दिया सभापति महोदय, विकास का मंत्र दिया हीरा, क्योंकि उत्तर पूर्वीय क्षेत्र भारत का हीरा है। हीरा मतलब हाईवे, हीरा मतलब इंटरनेट, हीरा मतलब रेलवेज, हीरा मतलब एविएशन। और जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल 2,500 करोड़ का रेलवे बजट होता था, आज 10,000 करोड़ रुपए का रेलवे बजट। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मेघालय जैसे राज्य को 100 साल इंतजार करना पड़ा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने कि मेघालय को अपने 100 साल में पहला स्टेशन मिला जब बीजेपी और एनडीए की सरकार। नागालैंड को 100 साल बाद शोकुवी में
एक रेलवे स्टेशन दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। और इसी के साथ साथ जब यूपीए की सरकार थी उस समय सड़क की प्रगति और विकास, गडकरी साहब यहां बैठे हुए हैं, 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन की कछुआ चाल के आधार पर चलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी की जोड़ी ने आज उत्तर पूर्वी राज्य में 3.5 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से आज सड़क बनाने का काम किया। हाईवेज और ब्रिजेस की जाल बनी। किरेन रिजिजू के साथ मेरा प्रवास वहां हुआ है, हमने दोनों देखा है कि भारत में अगर पानी पर सबसे लंबा पुल बना है तो अगर कहीं बना है तो ढोला सदैव ब्रिज ब्रह्मपुत्र पर हमारे असम के राज्य में बना हुआ है। और उसी के साथ किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में, पर उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ने का अगर संकल्प किसी का रहा तो भारत को म्यांमार और थाईलैंड के साथ सुपर हाईवे बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा। मुझे तो आश्चर्य हुआ सभापति महोदय कि इनके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, हमारा भी है पर मेरे साथी हैं अरुणाचल प्रदेश के, हमारे वहां के भी सांसद मेरे साथी, पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दो उत्तर पूर्वी राज्यों में आजादी के 67 वर्ष बाद भी एक भी एयरपोर्ट नहीं। 9 सालों में अरुणाचल में एक नहीं लेकिन 3-3 एयरपोर्ट, तेजू, पासीघाट और होलोंगी बनी है और सिक्किम में पाक्योंग। जिस अरुणाचल प्रदेश में केवल 9 हवाई अड्डे थे आज उस अरुणाचल प्रदेश में सभापति महोदय 17 हवाई अड्डे हैं। 17 हवाई अड्डे जो 7 सिस्टर्स कहलाती थी उस समय में ये 7 निग्लेक्टेड सिस्टर्स थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आज उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय के मंत्र के साथ विकास का एक नया उदय पूर्वोदय में हो रहा है।